पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर से पूछो में। मैं हूं आपके साथ अंजलि। थॉमस कार्लाइल ने अपनी सेइंग में कहा है, जो व्यक्ति अस्वस्थ है वो अपनी ज़िंदगी में रुकावटें पैदा करता है, मगर जो व्यक्ति स्वस्थ है वो अपनी ज़िंदगी को सरल बनाता है। मगर आप इसकी फिक्र बिल्कुल ना करें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं डॉक्टर से पूछो, जहाँ आप अपने मानसिक और शारीरिक रोगों से जुड़े सवाल हमसे पूछते हैं, जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहते हैं MBBS डॉक्टर और एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर एस रंजन। आइए सर का स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि इन दिनों बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ रही हैं जहाँ पे लोग बॉडी फटीग या बॉडी एक या बॉडी वीकनेस जैसी समस्याओं को फेस कर रहे हैं, इनका क्या कारण हो सकता है? देखिए, हेल्थ का जो मूल कारण है वो तो एनर्जी लेवल है। हाँ, मेन स्ट्रीम मेडिकल साइंस में स्वास्थ्य को ऐसा नहीं देखा जाता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण में और अध्यात्म के अलावा बहुत सारी जो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन, उसमें हेल्थ के की बुनियाद को ऊर्जा माना गया है। अगर हमारी ऊर्जा अच्छी हो, हमारी ऊर्जा जो है वो हम इनर्जेटिक हैं, तो हम अच्छा फील करेंगे। ऐसा अगर हम थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाएं, कब हम अपने आप को फिट समझते हैं, कि जब जो भी कार्य हम करना चाहें, जो भी हम काम करना चाहें उसको हम तुरंत कर सकते हैं। अगर कार्य करने की ज़रूरत है और हम नहीं कर पा रहे हैं तो वो हम उसको वीकनेस बोलते हैं। कभी कभी हमारा माइंड अगर उसमें इन्वॉल्व नहीं होता तो हम बोलते हैं कि बोर हो रहे हैं या मेरा मूड नहीं कर रहा है, तब वो मेंटल हेल्थ, कॉग्निटिव हेल्थ की दिशा में चला जाता है। तो एनर्जी, हमें अपने हेल्थ को समझने के लिए एनर्जी को समझने की ज़रूरत है, और जो अध्यात्म से हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, हमारे पास 7 ऊर्जा चक्र होते हैं। तो अगर हम एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने हेल्थ को, अपने लाइफ को अगर देखने लग जाएंगे, तो हम थकान, फटीग, बॉडी पेन, इसके अलावा सभी हेल्थ इश्यूज़ को बेहतर वे में टैकल कर सकते हैं, उनको रिवर्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, अपने आप को ऊर्जा के रूप में देखना सीखें। तो जैसा कि डॉक्टर सर ने अभी बताया कि हमारे 7 चक्र होते हैं, आप उनके ऊपर काम करें, आप अपनी एनर्जी में रहें। तो सर, इसी के साथ हमारे पहले कॉलर जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनका सवाल। हेलो जी सर, अपना नाम बताए और कहाँ से हैं आप? जी, मेरा नाम है रुपेश, नंबर रुपेश भवान, इंदौर से बोला, मध्य प्रदेश। जी सर, अपना सवाल पूछिए। जी, थोड़ा मेरे को हेल्थ का इश्यू होता रहता है, बचपन से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हेल्थ का, और थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है कुछ भी चीज, मतलब बाकी सब होता है, थोड़ा हेल्थ इश्यू है। हेल्थ का इश्यू क्या है वो बताइए ना सर। जी, तो आप हमारा पीएमसी हिंदी देख रहे हैं, तो आप ध्यान का अभ्यास कर रहे होंगे? जी, मेडिटेशन के अंदर, या आप इसके अंदर आप यूट्यूब पे कई सारे वीडियो आप देख सकते हैं, या पीएमसी हिंदी टीवी पर भी चलता है। मेडिटेशन जो है वो हम अपने प्राकृतिक श्वासों के साथ करते हैं। ध्यान जो है वो बहुत आसान है, आपको आराम से बैठना है और आंखें बंद करके अंदर आती बाहर जाती सांसों को महसूस करना है। और जब हम ऐसा आधे घंटे, 20 मिनट, 40 मिनट जब हम लगातार करते हैं, तो हमारे अंदर, खासकर हमारे स्पाइन में, टॉप ऑफ द हेड से एनर्जी उतरती है, और जब वो एनर्जी आती है तो फिर हम भीतर से एनर्जेटिक फील करते हैं, हेल्दी फील करते हैं। तो जो हमारे शरीर में जो दर्द है, एनर्जी की कमी है, जिसके कारण से हमारा हेल्थ खराब होता रहता है, अपनी एनर्जी को बढ़ाना सीखना है, और मेडिटेशन उसके लिए सबसे बड़ा टूल है। अगर हमारे जीवन में हमने मेडिटेशन सीख लिया हो, जिसको सीखने में जनरली 40 दिन का समय लगता है, एक बार 40 डेज रेगुलर कर लिया हो, तो फिर आप आराम से आप उसको अपने लाइफ स्टाइल में रख सकते हैं। मेडिटेशन के अलावा हम कुछ और भी बातों को ध्यान में रख सकते हैं, जैसे प्रकृति के साथ होना, सुबह के सूरज, 1 घंटे के अंदर के सूरज में, प्रकाश में हमें 15 मिनट के लिए बैठना चाहिए,
ध्यान कर सकते हैं या अपना वॉकिंग कर सकते हैं, अपने आप को सनलाइट से एक्सपोज करना चाहिए। वैसे ही हमें प्रकृति से, पेड़ पौधों से, फूलों से एक्सपोज करना चाहिए। प्रकृति में बहुत हीलिंग एनर्जी होती है। रिसर्च में इनको फाइटोट्रॉन कहा गया है, निगेटिव आयंस भी कुछ जगह कहते हैं। तो प्रकृति के साथ रहेंगे तो हम ग्राउंडेड रहेंगे। हमारे भीतर का पृथ्वी प्राण, दो तरह के प्राण होते हैं, पृथ्वी प्राण और सूर्य प्राण। तो पृथ्वी प्राण जो है प्रकृति में होने से अच्छे होते हैं और सूर्य में होने से सूर्य प्राण अच्छे होते हैं। तो हम अपनी ऊर्जा को संतुलित रख सकते हैं, ऊर्जा को बढ़ाएं, ऊर्जा को संतुलित रखने की कला सीखें। पीएमसी हिंदी पर कई सारे आपको प्रोग्राम मिलेंगे, उनको देखते जाइए। मेडिटेशन सीखिए, कीजिए। आप अगर 40 डेज में आपको अपने आप में एनर्जी अधिक लगने लग जाएगी और आप थोड़े बेहतर फील करेंगे, नॉर्मल फील करेंगे। जी, तो जैसा सर ने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा नेचर में रहें, सनलाइट लें और ध्यान करते रहें। ध्यान से आपकी जो ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक समस्याएं हैं वो ठीक हो जाएंगी। तो सर, इसी के साथ अभी हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनका सवाल। हेलो। हेलो जी मैम, कहाँ से हैं आप, क्या नाम है आपका? मेरा ज्योति शर्मा, मैं गोरखपुर से बोल रही हूँ। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। जी डॉक्टर साहब, मैं ये बोल रही हूँ, जैसे मैं ध्यान करती हूँ तो मुझे घबराहट बेचैनी होने लगती है। मैं आंख बंद करती हूँ ना, और जितनी डीप मैं सांस लेती हूँ उतना मुझे घबराहट होने लगती है, तो फिर मैं छोड़ देती हूँ। पहले ऐसे नहीं होता था, मैं इससे जुड़ी हुई 5-7 सालों से, लेकिन आपकी संस्था से नहीं जुड़ी, प्राणायाम आसन वसन करती रहती हूँ, लेकिन ये चीज मुझे अब हो रही है। जैसे आंख बंद करके मैं ध्यान कर मैं बैठती हूँ और सांसों पे जब मैंने जैसे मैं करी उसे तुरंत मुझे घबराहट डर लगने लगता है, तो फिर मैं उठ जाती हूँ। और सुबह ये पहले सबसे पहले मैं सुबह 5 बजे ये स्टार्टिंग करी सबसे पहले, तो फिर उस दिन मेरे को ऐसा हुआ, फिर मैं डर के मारे फिर नहीं कर पा रही हूँ इधर। ये मुझे 1 महीने से ये प्रॉब्लम है, पहले ऐसे मेरे साथ कभी हुआ नहीं था, लेकिन मैं डर आंख बंद करती तो डर लगता है कि कोई पीछे से आ ना जाए, जैसे भूत टाइप का कुछ ऐसा। तो अगर आ भी जाएगा तो क्या होगा, डरने की जरूरत क्या है? हम भी भूत हैं, शरीर वाले हम भूत हैं, है ना। भूत जो है ये हमारी मानसिक कल्पना ज्यादातर केस में होती है। अगर हमारा माइंड वीक हो तब हमको किसी भी चीजों से डर लग जाता है, अंधेरे से डर लग जाता है, कोई नई जगहों पे जाने में डर लग जाता है, शाम के समय बाहर घर से बाहर निकलने में डर लग जाता है ना। तो अपने माइंड को हमें मजबूत बनाने की जरूरत है, और इसके लिए आपको सज्जन सांगत्य, आध्यात्मिक लोगों की संगति चाहिए। पीएसएसएम में आप 3 प्रैक्टिसेस को सुनेंगे, ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य। इनको अगर हम ठीक से समझ कर रेगुलर करते हैं तब हमारे जीवन जो है वो सही चलता है। तो आपको सज्जन सांगत्य की जरूरत है, ध्यानी और आध्यात्मिक लोगों को ढूंढें और उनके साथ रहें। आपके शहर में आपके आसपास कहाँ ध्यान होता है वहाँ पर पूर्णिमा ध्यान के लिए जाएं, या संडे को किसी मेडिटेशन प्रोग्राम में जाएं, ध्यानियों से मिलें। और दूसरी एक बात समझनी है कि आपको थोड़ा प्रकृति के साथ भी रहना चाहिए ना। हम सिर्फ घर में योगा करते हैं, ध्यान करते हैं, ठीक है, लेकिन प्रकृति के साथ भी समय बिताना जरूरी होता है। अगर प्रकृति के साथ रहते हैं तो उससे भी हमारी जो नाड़ियाँ हैं वो थोड़ी प्रभावित होती हैं और ठीक रहती हैं। प्रकृति से दूर होने से हमारे शरीर में बहुत सारी तकलीफें होती हैं। थोड़ा पेड़ पौधों के पास, थोड़ा प्रकृति में, थोड़ा हरी घास में, खुले में थोड़ा समय बिताया करें, तो ये आपको हेल्प करेगा। और ध्यानियों के साथ ध्यान में बैठेंगे तो जो डर है वो खत्म हो जाएगा। अगर आप चक्रों के हिसाब से समझना चाहें तो हमारे 7 जो ऊर्जा केंद्र हैं उसमें से नीचे से दूसरा चक्र जो स्वाधिष्ठान चक्र है उसकी कमी से डर होता है, तो उस पर काम करना अगर थोड़ा सीखेंगे तो सज्जन सांगत्य जब बढ़ाएंगे तो फिर धीरे धीरे काम हो पाएगा। स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में थोड़ा पढ़िए, स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में थोड़ा जानिए। तो डरने की जरूरत नहीं है, कोई आपका कोई नुकसान कर नहीं सकता, कोई भूत होता नहीं, और अगर कहीं पे कोई नॉन फिजिकल अगर होता भी है तो अपने अपने लोक में अपनी जगह पर हैं, हमें उनसे क्या है ना। कोई अगर है भी तो हमें नुकसान पहुँचाएगा, ऐसी हमारी सोच गलत है ना। ध्यानियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, कोई डरने की जरूरत है नहीं। आप भरोसा रखें, जो भी आप संत को कभी आपने पढ़ा होगा या आप मानते हैं या पत्री जी हैं उनको याद कर लें, उनको प्रणाम कर लें और ध्यान को जारी रखें। तो जब हम किसी संत को प्रणाम कर लेते हैं तो उनकी ऊर्जा हमारे पास थोड़ी आ जाती है, तो जब आपके पास बढ़ी हुई दिव्य ऊर्जा हो तो उससे भी आप डर पर काबू पा सकते हैं।
तो बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी, आशा करती हूँ आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। और जैसे कि सर अभी आपने बताया और जिस तरीके से ज्योति जी ने भी अपना ये सवाल पूछा कि घबराहट होती है, तो बहुत सारे लोग अब इन्होंने बताया कि 5 साल से ये ध्यान कर रहे हैं और तब इन्होंने ऐसा महसूस किया, पर कई सारे ऐसे जो नए ध्यानी होते हैं उन्हें शुरुआत के ही दौर में, शुरुआत के ही वक्त में ऐसी चीज़ों का एहसास होता है, तो उनके लिए अब देखिए 100 में 2-4% 5% लोगों के साथ ही ऐसा होता है। मैं पिछले 18 साल से ध्यान सिखा रहा हूँ, ना ध्यान सिखाना मेरा पैशन है, पत्री जी से मैंने यही सीखा। तो ज़्यादातर लोगों को ये तकलीफ नहीं होती है, लेकिन जिन कुछ लोगों को तकलीफ होती है कभी कभी, तो हमारा जो हृदय चक्र है, हमारा जो अपर जियाओ, एनर्जी मेडिसिन में हम 3 लेवल पर एनर्जी को बांटते हैं, अपर जियाओ, मिडिल जियाओ, लोअर जियाओ। तो अपर जियाओ की एनर्जी कम होने की वजह से भी ये घबराहट एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, तब वहाँ पर हम एक्यूप्रेशर पॉइंट का काम ले सकते हैं अगर वो घबराहट है तो। लेकिन अगर आध्यात्मिकता का उसमें प्रभाव है कि हमें इंटिटी, नॉन फिजिकल इंटिटी से डर लग रहा है, तब तो वो सज्जन सांगत्य से दूर होगा, जो गलत कंसेप्ट कहीं पे हमने सुन लिया, मान लिया भूत का। मुझे तो आज तक कोई भी कोई भूत मिला नहीं, और मैं तो बहुत ढूंढ रहा हूँ कि शायद कभी कोई दर्शन हो जाए, लेकिन वो मिलते नहीं। तो यह जो है ये हमारी कल्पना ज़्यादा है, कोई अगर कोई होता भी है तो जरूरी नहीं है कि हमारा उनका आमने सामने हो भी, और आमने सामने हो भी गया तो उनको हेलो करेंगे, उनको भी ध्यान सिखा देंगे ना, तो लेकिन वो तो मिलते नहीं जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा सज्जन सांगत्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान करें, उसमें बैठने की कोशिश करें, जितना ज़्यादा समय आप उसमें देंगे उतना ज़्यादा आप उसके अंदर डीप तरीके से जाते जाएंगे। तो इसी के साथ सर हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनका सवाल। हेलो, हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? सर मेरा नाम अतुल कुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट विजनल फॉर्म न्यूट्रिशन। जी सर पूछिए अपना सवाल। मैम एक्चुअली में मुझे एक ही विचार बार बार परेशान करता है, मतलब एक तरह उसकी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की समस्या, तो कैसे करा जाए मतलब हैंडल ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये टर्म आपने कहाँ से सुना? ये सर मैंने यूट्यूब से देखा था कि जब एक ही विचार बार बार कोई माइंड में क्लिक करता रहता है बार बार, मुझे एक ही विचार सोचता रहता है कि दुनिया में हर जगह पे मैं ध्यान के बारे में बताऊं, तो क्या इसे भी हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव कह सकते हैं? ये मेडिकल टर्म जो है ना, हमें ऐसे ब्लाइंडली यूज नहीं करने चाहिए, ये गलत तरीका है कि यूट्यूब से हमने कुछ देख लिया और फिर हम टर्म को यूज कर रहे हैं। मेडिकल टर्म मेडिकल एक्सपर्ट जब बोले तो ठीक है, और उसमें भी कोई जरूरी नहीं है कि कोई डायग्नोसिस है तो सही होती है, कभी कभी रॉन्ग डायग्नोसिस भी हो जाती है। अगर हम किसी टर्म को ले आते हैं तो हम अपने उस बीमारी को क्रिएट कर रहे हैं, हम उस सिचुएशन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन शायद आपने सुना होगा, हम जो सोचते हैं हम वैसी परिस्थितियों को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम कोई टर्म यूज करते हैं तो हम वैसे सिचुएशन को, वैसे बीमारियों को अट्रैक्ट करते हैं, तो हमें मेडिकल टर्म को अवॉइड करना चाहिए। हाँ, हमें जो समस्या होती है कि हाँ विचारों में मैं उलझा रहता हूँ, एक ही विचार में उलझा रहता हूँ या कई अलग अलग विचारों में उलझा रहता हूँ, अगर आप अलग अलग विचारों में उलझे रहते हैं तो आप ब्रेथवर्क करें पहले 1 हफ्ते 10 दिन, और उसके बाद फिर आनापानसति मेडिटेशन करें। ब्रेथवर्क करने से और मेडिटेशन करने से विचार जो है वो शांत होते हैं, ख़त्म होते हैं। एक ही विचार अगर कोई विशेष रूप से आपको परेशान करता है तो अपने लाइफ में अच्छे दोस्त को ढूंढें या किसी मेंटर को ढूंढें जिससे आप गाइडेंस ले पाएं कि आपको लाइफ में क्या करना है। अगर हम खाली बैठे रहेंगे, किसी प्रोडक्टिव चीज़ों में नहीं रहेंगे, तो एक हिंदी मुहावरा है, खाली दिमाग शैतान का अड्डा, फिर एक ही विचार जो है हमें परेशान करेगा। प्रोडक्टिव चीज़ों में, अपने पढ़ाई में, अपने बिजनेस में, करियर में, उसमें आप इंगेज रहें तो विचारों को आपको डिस्टर्ब करने का समय नहीं मिलेगा। और थोड़ा सा मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बता देता हूँ। एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है PC6। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो हमारी कलाई पे अंदर की तरफ 3 अंगुल के डिस्टेंस पे होता है। ये PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप दबाएंगे, यह भी आपको दूर कर सकता है आपके विचारों की के प्रवाह को। दोनों हाथों में दबाना है इस PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे, दबाते हुए दर्द नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आपको इसे 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार दबाना चाहिए। प्रकृति के साथ रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए और स्वाध्याय कीजिए, अच्छी पुस्तकों को पढ़ें। जैसी पुस्तकों को पढ़ते हैं वैसे हमारे पास कंसेप्ट आते हैं। दीपक चोपड़ा की पुस्तकों को पढ़ें, बहुत सारी अच्छी पुस्तकें हैं, ओशो को सुने,
तो आपको विचार परेशान नहीं करेंगे। जी तो सर, जैसे आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ रहें, अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स लेकर आएं, अपने आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें और नेचर के साथ भी जुड़ें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे ये सवाल पूछने के लिए। आशा करती हूँ आपको आपका जवाब मिल गया होगा। तो सर, अभी जैसे सर ने बताया कि इनको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ये टर्म अपने आप में आना, इस तरीके का टर्म आई एम श्योर बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं अपने बारे में सोचते होंगे, तो उनके बारे में आप क्या देखिए, एक हमारे समाज में देखिए भगवद गीता में आता है तीन तरह के गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। जब रजोगुण प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनको अपनी बीमारी को बड़ा बनाकर देखने की और बात करने की टेंडेंसी होती है। रजोगुण वाले ऐसा सोचते हैं कि उनको छोटी बीमारी हो ही नहीं सकती, उनको जो बीमारी है वो बहुत बड़ी है या बहुत परेशान करने वाली है। कोई जरूरी नहीं है कि कोई बीमारी है, हमें मेडिकल टर्म्स को अवॉइड करना चाहिए। अगर हम आध्यात्मिक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से, ऊर्जा के तरीकों से जब इलाज करना हम सीखते हैं, सीख रहे हैं, तो हम अगर सिंपल लेमैन टर्म का यूज करेंगे, मुझे तकलीफ क्या होती है, तब हम समझ पाएंगे कि चक्रों के लेवल पे या विचारों के लेवल पे क्या चेंज करना है। एनर्जी वर्क एंड माइंड वर्क, दो रूप मुख्य रूप से यही दो चीज़ें आती हैं, ऊर्जा पे काम करना और मन पे काम करना। तो जब हम अपनी समस्या को अपने शब्दों में बताते हैं तब आप एनर्जी को और माइंड को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मेडिकल टर्म बनाते हैं फिर तो आप हॉस्पिटल से कनेक्ट होंगे, जहाँ पे जा कनेक्ट होकर भी हम स्वास्थ्य को नहीं पा पाते। दवाइयों में इलाज नहीं है, इलाज हमारे भीतर है, हमें अपने सोचने के तरीके को, अपनी ऊर्जा को चेंज करना है। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर मुझे मेरे हिसाब से ओवर डायग्नोसिस की संभावना ज़्यादा लग रही है, यूट्यूब से देखकर सीखा है इन्होंने ऑब्सेसिव। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बता दूं, ऑब्सेशन, ऑब्सेशन मतलब किसी एक चीज़ों के पीछे पड़ जाना, कंपल्सन उसमें लगे रहना, उसे आज़ाद नहीं हो पाना, उसको छोड़ना चाह रहे लेकिन नहीं छूट रहा है, समय बंद हो गया बंद करने का लेकिन वो बंद नहीं हो रहा है। जैसे कोई मूवी के एग्जांपल में ले ले, ऐसे ऑब्सेसिव कंपल्सन का उससे कनेक्शन नहीं है कि मूवी अब सोने का समय हो गया लेकिन मूवी एक बार चालू किया है तो पूरी मूवी देख के ही सोएंगे, तो कंपल्सिव वो एक्ट बन गया। तो वैसे ही किसी भी चीज़ों में, कि कुछ लोगों को हाथ धोने का ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो होता है OCD, बहुत लोगों को हाथ पैर धोने का, या कोई ताला बंद किए तो बार बार चेक करें कि हाँ ताला ठीक से बंद हो गया है ना, 3 बार 4 बार 5 बार चेक करते हैं, 1 बार चेक करना जो है वो जरूरी है, ठीक है, अच्छी बात है ना, प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए, लेकिन 2 बार चेक कर रहे हैं तो वो हेल्दी बात नहीं है। तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता है, जब हमारे पास क्लैरिटी होती है तब तो यह सब चीज़ें नहीं आती हैं, ध्यान से, ब्रेथवर्क से ये सब चीज़ ठीक हो सकती है। जी तो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल टर्म से दूर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें, ताकि आप अपने जो आपके जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको ध्यान से ही ठीक कर सकें। इसी के साथ सर हमारे साथ अभी अगले कॉलर भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनका सवाल। हेलो, हेलो जी, हेलो बोलिए जी। मैम पूछिए अपना सवाल। हाँ, ध्यान करने के बाद मेरे सिर बहुत भारी होता है और पेट में दर्द होने लगता है ऐसा। देखिए बहुत बार तो, हाँ हाँ बोलिए, और सवाल अपना है आपका कुछ है? नहीं, यही पर यही है। हाँ। देखिए ध्यान में बहुत बार हमारी एनर्जी बॉडी की, हमारे ऑरा की क्लीनिंग होती है। जब ऊपर से ऊर्जा उतर रही है तो जहाँ पर सफाई की जरूरत है वहाँ पर टेम्परली हैवीनेस लग सकता है। पानी ज़्यादा पीना है और उत्साह से ध्यान को कंटिन्यू करना है। जब कुछ दिनों में एनर्जी की क्लीनिंग हो जाएगी, सफाई हो जाएगी, तो जो हैवीनेस होना है या कुछ पेन है वो गायब हो जाएगा। अगर हम एनर्जी लेवल पे अपनी क्लीनिंग नहीं करते हैं, सफाई नहीं करते हैं, तो यही बाद में हमारे फिजिकल लेवल पे दर्द बनकर आता है। जो अभी ध्यान करने से पता चल रहा है कि भीतर एनर्जी के लेवल पे ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, अगर हम उसको इग्नोर करेंगे तो बाद में वो मसल के लेवल पे, हड्डियों के लेवल पे, जोड़ों के लेवल पे आता है। तो उत्साह के साथ, धैर्य के साथ आप ध्यान का अभ्यास करते रहें और जानें कि आपकी बॉडी की क्लीनिंग हो रही है। ये क्लीनिंग तेज हो, फास्ट हो, इसके लिए आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपना सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब रात के खाना को जल्दी खाना और 15 घंटे 16 घंटे का गैप रखना। जब हम 15 से 16 घंटे का गैप देते हैं तो हमारी बॉडी को खुद की सफाई, इंटरनल सफाई करने का मौका मिल जाता है। सुबह अगर हमने नाश्ता 10 बजे लिया
तो शाम का खाना 6 बजे तक या मैक्सिमम 7 बजे तक निपटा लें तो हमारी बॉडी को क्लीनिंग करने का समय मिल जाता है। डिटॉक्स पे हमारे वीडियो पीएमसी हिंदी पर आपको मिलेंगे। डिटॉक्स के कई सारे तरीके हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट से भी डिटॉक्स होता है, तो डिटॉक्स करने से जो है हम अपनी क्लीनिंग को तेज कर सकते हैं, लेकिन जो भी अपने आप नेचुरली हो रहा है उसको स्वीकार करें और ध्यान करते रहें। जी, तो जैसे सर ने बताया कि जब आप ध्यान में बैठते हैं तो कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आपके बॉडी में पेन हो रहा है, आपका हेड हैवी हो रहा है, लेकिन वो एक जरिया है जिससे आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके शरीर से बाहर निकल रही है। सर, जैसा मैम ने भी पूछा और बताया कि ये जो शरीर का भारीपन, ये भी बहुत सारे ध्यानी जो हमारे हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं, और कई कई बार उनको भी फियर हो जाता है कि कहीं मैं ध्यान में बैठने से किसी और नई बीमारी का शिकार तो नहीं हो रहा। मतलब ध्यान से कभी कोई बीमारी आती नहीं है, बल्कि जो बीमारी है वो चली जाती है। आँख बंद करके अगर हम सांसों पर ध्यान दे रहे हैं तो बीमारी कहाँ से आ सकती है, बल्कि जो कॉस्मिक एनर्जी हमारे सुषुम्ना नाड़ी में, हमारे स्पाइन में फ्लो करती है, हमारे चक्रों में बहती है, उसके आने से सभी बीमारियां दूर होती हैं। तो भ्रम, अगर हमारी जानकारी ना हो, अगर हम कोई भ्रम अपने मन में पाल लें तो कन्फ्यूजन में रह सकते हैं, लेकिन हमें जानकारी यही रब बनानी है कि मेडिटेशन से तो हर एक बीमारी ठीक होती है, बल्कि मेडिटेशन जो मेडिकेशन से ज़्यादा पावरफुल है, आप कोई भी दवा लेते हैं उससे ज़्यादा शक्तिशाली जो है वो ध्यान है। जो भी मेडिसिन आप लेते हैं, हर एक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और वो सिर्फ फिजिकल लेवल पे हो सकता है, और हम तो सिर्फ फिजिकल लेवल पे हैं नहीं, हम फिजिकल लेवल पे हैं, हम एनर्जी के लेवल पे हैं, हम माइंड के लेवल पे हैं। तैतरीय उपनिषद के अंदर पंच कोश के बारे में बताया गया, हमारे पास 5 कोश हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी में 7 बॉडी का कंसेप्ट आता है, न्यू एज में भी, तो हम कई सारे बॉडीज के लेवल पे, कोशा के लेवल पे हैं। कोश संस्कृत में बॉडी होता है। तो जो फिजिकल मेडिसिन हम लेंगे वह तो एनर्जी लेवल पे या माइंड लेवल पे जाएगा नहीं, वो तो मेनली फिजिकल लेवल पे ही रहेगा। तो अगर हम ध्यान के तरीके से, अध्यात्म के तरीके से, ऊर्जा के तरीके से अगर अपने आप को ठीक करना सीख लेते हैं तो यह जो है ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म है, परमानेंट है, सस्टेनिंग है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। बिना कोई खर्च किए आप ध्यान में बैठ सकते हैं, बिना कोई खर्च किए अगर आपको अपना एक्यूप्रेशर पॉइंट पता चल गया तो आप उसे दबा सकते हैं। डाइट में क्या परहेज करनी है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, अगर आपको पता चल गया तो उसमें बहुत कोई भी खाना खाएंगे, कुछ भी खाएंगे तो आपको उसको कॉस्ट लगना ही था, बस बदलने से या सजगता के साथ खाने से कॉस्ट जनरली नहीं बढ़ता ना। आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो हर जगह पर रिकमेंडेड नहीं होता, फ्रूट्स खाएं या सब्जी खाएं या मिलेट्स खाएं, कॉस्ट वही रहता है। कम कॉस्ट में भी हम आध्यात्मिक चिकित्सा को बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसलिए सभी को करना चाहिए। जी, तो सर इसी के साथ हम लेते हैं अपना अगला सवाल। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो जी मैम, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम विद्या सूर्यवंशी। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल है कि मुझे वर्टिगो का प्रॉब्लम हो रहा है 15 दिनों से। तो फर्स्ट टाइम हुआ था ना, तो ऐसे हो गया था कि गर्दन जैसे टूट कर गिर गया है, पूरी चक्कर चक्कर, मतलब आंखों के आगे अंधेरा नहीं था लेकिन वो हिल रहा था पूरा, और गर्दन पूरी तरह से टूटी, जैसे पूरे बदन में जैसे जानी नहीं, मैं वॉशरूम तक नहीं जा पा रही थी 2 दिन तक, इतना हुआ था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम हुआ, और 8 दिन के बाद फिर से वैसे ही, उतना ही नहीं हुआ लेकिन थोड़ा कम हुआ, लेकिन हुआ अभी भी थोड़ा है। तो मैं, अगर ऐसा होता है तो इंस्टेंटली मैं कभी क्या कर सकती हूँ? मतलब पहली बार जब आपको वर्टिगो हुआ था तो आपने उसे कैसे ठीक किया था? मैंने ध्यान के, मतलब पड़ी गिरी, मतलब लेटी रही और गर्दन को ऐसे सीधा रखा और ध्यान, मतलब अपने आप को, मतलब शांत करने का प्रयास किया, ध्यान किया। बहुत अच्छे कि आपने ध्यान के माध्यम से ठीक किया। तो आपको एक बार तो समझ में आ गया है कि हमें ध्यान करके ठीक करना है। आप थोड़ा सा और अगर बारीकियों में समझे तो थोड़ा हमें अपने चक्रों के बारे में जानना चाहिए, और यहाँ पर मूलाधार चक्र का रोल आता है कि अगर हम अपने सांसों पर ध्यान के साथ साथ अगर अपने मूलाधार चक्र पर भी ध्यान लगाएं और इस बात को फील करें कि मूलाधार चक्र जो है वो पृथ्वी से जुड़ी हुई है और पृथ्वी से वो ऊर्जा ले रही है। हम कल्पना भी कर सकते हैं क्योंकि कोई जड़, जैसे पेड़ की जड़ें होती हैं वैसे जड़ें हैं और उसके माध्यम से हम ऊर्जा को ले रहे हैं, या बिना जड़ों के भी हम डायरेक्ट फील कर सकते हैं कि हम पृथ्वी से ऊर्जा ले रहे हैं। तो इस ये फीलिंग अच्छे से हो, इसके लिए घास पे या मिट्टी पे पैर रख सकें, थोड़ी बहुत जा सके तो ज़्यादा अच्छा होगा,
नहीं तो अपने घर में लेटे लेटे ही या बैठे बैठे ही अपने मूलाधार चक्र से ऊर्जा को पृथ्वी से जोड़ें। जब पृथ्वी की ऊर्जा से हम जुड़ जाएंगे तो हमारा वर्टिगो जो है वो ठीक होने रहे लगेगा। एक्यूप्रेशर के अंदर भी थोड़ा सा हम समझ लें कि हर एक उंगली का जो टिप्स होता है वो हमारे सिर से जुड़ा होता है, हाथों की 10 उंगलियां और पैरों की 10 उंगलियां, इन 20 उंगलियों को आराम आराम से आप दबाए करें, 10-10 बार दिन में 3 बार दबा लें सभी उंगलियों के टिप्स को, तो इससे भी आपको हेल्प हो सकता है। लेकिन प्रकृति से जुड़कर और मूलाधार चक्र से जुड़कर ये सबसे ज़्यादा डीप रूटेड परमानेंट हेल्प करेगा। तो वर्टिगो को ठीक आपने पहले भी किया है, फिर से आप कर लेंगे, थोड़ा सा ऊर्जा मूलाधार चक्र की ऊर्जा और पृथ्वी की ऊर्जा से कनेक्ट होना सीखिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमसे ये सवाल पूछा। मैं आशा करती हूँ कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल लेते हैं और हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं। हेलो, 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 नमस्कार मैम। नमस्कार, आप कहाँ से हैं और आपका नाम? मैं थाना से बात कर रही हूँ, थाना मुंबई से हूँ। आपका नाम? मेरा नाम सुनीता है। जी, पूछिए अपना सवाल। मैम, मेरे को ना पैर में ना बैक साइड में, मतलब अपना मांडे ये जांग बोलते हैं ना जो कॉल्स में, जी, जांग से कोई नस टाइप होती है, आपने ना बहुत ज्यादा पेन होता है, और वो ना बैक साइड मतलब घुटने के बैक साइड से लेके नीचे वो मांडे क्या बोलते घुटने के नीचे का हिस्सा जो रहता है ना अपना घुटने से और एड़ी के बीच का जो हिस्सा, वो बहुत ज्यादा पेन होता है। जी, साइटिका है क्या आपको? साइटिका नहीं बोल सकते सर, बट साइटिका के लक्षण है ज्यादातर मुझे घुटने के बैक साइड में पेन होता है, और फिर वो जो वो बढ़ जाता है ना तो वो एड़ी तक चला जाता है, और फिर बैक साइड में अपना जांघ के बैक साइड में ही पेन होता है। देखिए, अगर साइटिका की तकलीफ हो तो SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर पर होता है, एंकल से 4 अंगुल ऊपर। अगर SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करेंगे, अपवर्ड मूवमेंट, तो उससे आपको फायदा हो सकता है। अगर साइटिका नहीं है, SP6 दोनों पैर में आपको दबाना है, और SP6 इन जनरल भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर नॉर्मल आदमी भी SP6 को दबाया करे तो उसका जो हेल्थ है वो लॉन्ग टर्म में अच्छा रहेगा। पैर के पीछे की तरफ की आप तकलीफ बता रहे हैं, और इसका कनेक्शन जो है हमारे पैर की सबसे छोटी उंगली से होता है, तो अगर आप पैर की छोटी उंगली का मसाज करें, और करना चाहें तो पूरे तलवे का भी कर सकते हैं, सभी उंगलियों का कर सकते हैं, लेकिन छोटी उंगली का विशेष रूप से किया करें, तो छोटी उंगलियों के मसाज करने से आपको यह फायदा हो सकता है। मसाज आप खुद से भी कर सकते हैं, परिवार में किसी दूसरे से भी करवा सकते हैं। एक्यूप्रेशर की प्लेट्स आती हैं, उन प्लेट्स पर आप अपने पैर को अप एंड डाउन कर सकते हैं, और थोड़ा बेयर फुट वॉकिंग करें, थोड़ा प्रकृति से जुड़ें। प्रकृति से जुड़ना बहुत जरूरी है, वो आपको ठीक रखेगा। ध्यान कर रहे हैं, थोड़ा प्रकृति के साथ भी जुड़िए, SP6 और पैर की छोटी उंगलियों का दबाव मसाज कीजिए, आपको फायदा होगा। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आशा करती हूँ आपको भी आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो सर, जैसा मैम ने बताया कि बैक में नीज और ये जो एंकल में पेन उन्होंने बताया, ये ज़्यादातर जो हमारे बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं वो ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। ऐसा नहीं है, पहले ऐसा होता था, अब तो उम्र का कोई तकाजा नहीं रहा। जी, जो हमारे हेल्थ का, हमारे जनरल पॉपुलेशन के हेल्थ का लेवल बहुत अच्छा नहीं है ना, जो हमारा जो खान पान है, हम रात में देर तक सोते जगते हैं, अपने भोजन में डिसिप्लिन नहीं है, फास्ट फूड का प्रचलन बढ़ गया है, हम अपनी लाइफ में तनाव इतना ले रहे हैं, स्कूल में कॉलेज में भी हम करियर का इतना तनाव लेते हैं, प्रोफेशन का इतना तनाव लेते हैं, करियर में आगे बढ़ना है, प्रमोशन पाना है, ज़्यादा पैसा कमाना है, इसके तनाव लेते रहते हैं हम। जो सोसाइटी में जो एक सेटिस्फैक्शन है, संतोष करना, जीवन को स्वीकार करना, वो कम हो गया है काफ़ी, तो उसका प्रभाव हेल्थ पे आता है। और किसी भी व्यक्ति को तो आपको पैरों में दर्द मिल जाएगा, सिर्फ बड़ी उम्र को मिलता है ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम जब जागे तब सवेरा, जब बात समझ में आ गई तब से हम अपनी नींद को प्रायोरिटी दें, नींद को महत्व दें। नींद को कॉम्प्रोमाइज करके काम करना, पढ़ाई करना, ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों। बहुत लोग नहीं सोचते, क्योंकि जब तक नींद ठीक चल रही हो तब तक वो परवाह करते ही नहीं कि क्या करना है,
वो बस अपने काम करने पे, पढ़ाई पूरा करने पे या पैसा कमाने पे इसमें उलझे रहते हैं। जब नींद नहीं आती है तो परेशान होते हैं कि अब क्या करें। तो नींद की क्वालिटी अच्छी रहती है तो उससे भी हमारी कई सारी बीमारियां ठीक होती हैं। कई सारी बीमारियां आने से हम बचा लेते हैं अपने आप को, क्योंकि नींद के दौरान हमारी हीलिंग होती है। नींद में बेसिकली दो फेज होते हैं, रेम स्लीप रैपिड आई मूवमेंट और नॉन रेम स्लीप। तो रेम स्लीप में जिसको जिसमें सपने ज़्यादातर रेम स्लीप में आते हैं, तो सपने वाली नींद की अवस्था में हमारी बहुत हीलिंग होती है। तो अगर हम नींद की कदर करें, प्रॉपर सोएं, प्रॉपर भोजन करें, ध्यान को अपनाएं, तो हम ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ये बताया। अभी हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनका सवाल। हेलो। हेलो जी मैम, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम पुणे महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। मैम आपका नाम एक बार फिर से बताएंगे? नीता सोलंकी। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। जी मुझे सर से बात करनी थी, राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र सर से। जी सर, सुन रहे हैं, आप अपना सवाल पूछिए मैम। जी मुझे एक्चुअली रूमेटाइड आर्थराइटिस है और लॉकडाउन में ज्यादा हो गया है और मैं पिछले 2 साल से कर रही हूँ मेडिटेशन, फिर भी मुझे कुछ फर्क नहीं लग रहा है। अभी तो आगे क्या? अभी आप किसी दवा पर भी हैं, कोई मेडिसिन भी खा रहे हैं आप? जी सर, पिछले जुलाई महीने में तो बहुत दर्द बढ़ गया, मैं चल भी नहीं पा रही थी, खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, तो एलोपैथी शुरू किया मैंने। स्टेरॉइड भी चल रहा है अभी? एलोपैथी दवाइयों में क्या स्टेरॉइड्स भी खा रहे हैं? हाँ स्टेरॉइड अभी दिया है उन्होंने। नहीं दिया है, नहीं दिया है, पता कीजिएगा। अगर स्टेरॉइड एक बार शुरू हो जाए तो उसको हम अचानक से कभी बंद नहीं कर सकते। स्टेरॉइड की कई सारे स्टेरॉइड्स में प्रिकॉशन ज़्यादा लेने पड़ते हैं, तो आप खुद से दवा बंद मत कीजिएगा अगर स्टेरॉइड चल रहा हो तो, क्योंकि स्टेरॉइड को अगर अचानक से बंद करेंगे तो तकलीफ हो जाती है, धीरे धीरे ही टैपर ऑफ करना होता है। देखिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपको कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। आप ध्यान को कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान की बारीकियों को समझना है। ध्यान को मशीन के ढंग से अगर हम करते हैं तो फायदा नहीं मिलता है। ध्यान के साथ हमें स्वाध्याय करना चाहिए, हमें यू कैन हील योर लाइफ को पढ़ना चाहिए, हमें माइंड टू मैटर पढ़ना चाहिए और ध्यान की बारीकियों में उतरना चाहिए। ध्यान की बारीकियों की में जैसे मैं एक पॉइंट बताऊं कि हम सांसों पर ध्यान लगाते हैं, सांसों पर ध्यान लगाने के साथ साथ अगर हम सांसों के अंतराल पर भी ध्यान लगाएं तब हम ध्यान हमारा गहरा हो जाएगा। श्वास का जो गैप होता है, श्वास आती है और फिर जाती है, दोनों के बीच जो छोटा सा 1 सेकंड का 2 सेकंड का गैप है, श्वास बाहर गई फिर 2 सेकंड का गैप है और फिर श्वास अंदर आती है, योग की भाषा में इसे कुंभक कहते हैं। तो कुंभक पर अगर ध्यान लगाएं तो ध्यान और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। तो ये एक बारीकियाँ हैं, बहुत सारी बारीकियाँ हैं, जब हम स्वाध्याय करेंगे, पुस्तक पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। पिरामिड सोसाइटी के सभी नियमों को बारे में समझें और उनका प्रैक्टिस करें, और खासकर स्वाध्याय है। एक्यूप्रेशर पॉइंट के रूप में एक LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, आप उसको दबा सकते हैं हमारे पैर में। लेकिन अगर स्टेरॉइड चल रहा हो तो फिर कई सारे प्रिकॉशन की बात आ जाएगी, स्टेरॉइड नहीं चल रहा हो फिर आप आराम से LV3 को दबा सकते हैं। LV3 जो है आपको चित्र स्क्रीन पर दिखेगा, पैर के अंगूठे और बगल की उंगली के बीच में है वो होता है, ये दो अंगुल पीछे, और इस LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर दबाते हुए अक्सर दर्द मिलता ही है। तो इस LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाना है, इससे आपको पेन, जॉइंट पेन में फायदा हो सकता है। और बहुत सारे लोगों ने ध्यान के अभ्यास से रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ठीक किया है, तो आपका भी हो सकता है, विश्वास के साथ करते चलिए। और ध्यान के अलावा जो दूसरे प्रैक्टिसेस हैं उनको भी शिद्दत से अपनाइए, मशीन के ढंग से सिर्फ ध्यान को ना करें, और ध्यान में हम गहराई में जाने की फिक्र करें कि मेरा ध्यान गहरा कैसे हो, डीप मेडिटेशन। तो डीप मेडिटेशन होगा, अच्छी एनर्जी आएगी तो हीलिंग हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमसे ये सवाल पूछा, आशा करती हूँ आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो जी सर, कहाँ से हैं आप और आपका नाम?
मेरा नाम प्रीति गलानी है, मैं मुंबई बोरीवली से बोल रही हूँ। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। मेरे ना 5-6 महीने से मेरे दोनों पैर बहुत दुख रहे हैं और लेफ्ट साइड में लोअर बैक में दुख रहा है, पेन हो रहा है। लोअर बैक और पैर, इन दोनों में ज्यादा तकलीफ क्या दे रहा है आपको? दोनों ही दे रहा है, क्योंकि लोअर बैक में लेफ्ट हैंड साइड में पेन हो रहा है और नीज के ऊपर के दोनों थाइज और काफ पूरी रात सो नहीं पा रहे, उतना पेन हो रहा है। ठीक है, आपने बटरफ्लाई एक्सरसाइज के बारे में सुना है? बटरफ्लाई एक्सरसाइज, बटरफ्लाई एक्सरसाइज जो है वो उसका अभ्यास हमें सुबह शाम करना है। बटरफ्लाई में हम दोनों पंजों को मिलाकर हाथ से पकड़ते हैं और घुटनों को अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं। तो सुबह शाम बटरफ्लाई एक्सरसाइज करना है। बटरफ्लाई एक्सरसाइज के अलावा हमें वज्रासन में बैठना है, जिसमें मोहम्मदर्स नमाज पढ़ते हैं, योगा के अंदर वो वज्रासन कहलाता है। तो वज्रासन में सुबह शाम हमें 2 बार 5-5 मिनट के लिए बैठना चाहिए। और योगासन में एक और आसन अच्छा आसन है, वृक्षासन। बटरफ्लाई, वज्रासन और वृक्षासन इत्यादि आसन हम करेंगे तो हमें हमारे जो पैरों की ये तकलीफ है ये ठीक धीरे धीरे होने लग जाएगी। अगर बैक पेन की तकलीफ बता रहे हैं तो बैक पेन की तकलीफ के लिए मैं सुजोग का एक एक्यूप्रेशर पॉइंट बताता हूँ। हमारे मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच का ये जो स्पेस है, जो यहाँ पे जो हड्डी है और हड्डी के पीछे जो थोड़ी खाली जगह है, इस पॉइंट को अभी बताने के लिए मैं हाथ ऊपर रख के आपको बता रहा हूँ। आपको समझ में आ जाए तो आप इसे किसी स्टेबल सरफेस पर रखिए और फिर इसका आप इसे मसाज करें। तो जब आप इसका मसाज करेंगे दोनों हाथों में बारी बारी से करना है तो आपको बैक पेन में, लोअर बैक पेन में काफ़ी फायदा होता है और बहुत अच्छा ये ठीक हेल्प करता है। तो एक्सरसाइज थोड़ा सा करना है, ध्यान आप कर रहे होंगे, ध्यान भी रेगुलर करना है तो आपका जो तकलीफ है, दर्द है, दूर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आशा करती हूँ आपको भी आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। जैसा कि सर ने आपको बताया कि बटरफ्लाई एक्सरसाइज कीजिए और ध्यान कीजिए, इससे थोड़ा सा स्टार्टिंग में शायद कष्ट आपको महसूस हो लेकिन फिर आपका दर्द अपने आप गायब हो जाएगा। अगले कॉलर भी हमारे साथ अभी लाइन पर है, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो सर। हेलो। जो नई से कपियाला फार्म से जी, तो थोड़ा जो विचार सुनने था, मैं 15 अप्रैल 2021 से डॉक्टर संगीता मैम पीएमसी आजादी से मैं जुड़ गया था और मैं जब से कर रहा हूँ फिर तो काफी लंबे समय से करते हुए, लेकिन थोड़ी इसमें दिक्कत है, अभी वो सुनीता की स्थिति नहीं आती है जी। तो उससे जो है मुझे एक बार अनुभव हो गया था, वैसे बहुत पहले, वो तो 25-30 साल पुरानी बातें हैं, ऑटोमेटिकली हो गया था जब एकदम से शून्य होकर मुझे वो प्रकाश पास वगैरह का हुआ था। तो ना तो मेरा वो पुराना अनुभव आ रहा और मैं खूब ऐसे पूछ करता हूँ, तो विचार शून्यता के लिए आप मुझे कोई ऐसी युक्ति और इतना कुछ बताइए। युक्ति की हमें ज्यादा जरूरत नहीं है, हमें समझने की जरूरत है। आपने सुना होगा ध्यान में कि हमें नाउ मोमेंट में जीना चाहिए, वर्तमान काल में। पुराने समय में जो आपको हुआ उसे याद करने की जरूरत नहीं है, उसे याद ना करें, अभी नाउ में जीना सीखें कि आज मैं कितना शांत हूँ, आज मैं कितना सजग हूँ, कितने होश में हूँ। अपनी शांति को, सजगता को और होश को बढ़ाएं। ध्यान की बारीकियों को समझें, ध्यान से जुड़ी हुई पुस्तकों का अध्ययन करें। डॉक्टर न्यूटन की पुस्तक है ध्यान, कला और विज्ञान, आप इस पुस्तक को पढ़िए। ध्यान, कला और विज्ञान पुस्तक पढ़कर आप ध्यान की बारीकियों में उतर सकते हैं। आप ओशो के प्रवचनों को सुनिए, पत्री जी के प्रवचनों को सुनिए। ध्यान के विस्तार को, ध्यान की गहराई को, ध्यान के अलग अलग आयाम को समझना है। पतंजलि योग सूत्र भी आप पढ़ सकते हैं, पतंजलि योग सूत्र तो सबसे क्लासिक ग्रंथ है। तो स्वाध्याय, ध्यान के अलावा स्वाध्याय जरूरी है, पीएसएसएम में बताया गया है। जब हम पढ़ते हैं तब हम कंसेप्ट को समझते हैं, बिना अगर कंसेप्ट नहीं समझते हैं तो हम बस ब्लाइंड में ढूंढते रहते हैं कि ध्यान मेरा किसी तरह से लग जाए, किसी तरह से मैं शून्य हो जाऊं। और इसके साथ साथ आपको अपने जीवन में भी थोड़े से कुछ और भी नियम पालन करने हैं, जैसे कम बोलना। हम बहुत बार सोसाइटी में जहां जरूरत नहीं होती है वहां भी बोलते हैं। अगर हमारी ज़्यादा बोलने की आदत है तो फिर हमारे बोलने की आदत और विचार करने की आदत जुड़ी हुई होती है। अगर हम ज़्यादा बोलते हैं तो हम ज़्यादा सोचेंगे भी। अगर हम ये चाहते हैं कि मेरा सोचना जो है कम हो तो आपको बोलना भी थोड़ा अपना कम करना पड़ेगा। हर जगह पे हम सजग रहें, पहले हम दूसरों की बात सुने और उसके बाद अपनी बातें बोलें और टू दी पॉइंट बोलें। अपनी बात, मुख्य बात हो गई, फिर हम शांत हो जाएं। ये नहीं कि मौका मिल गया तो हम बोले जा रहे हैं और
दूसरों को बोर कर रहे हैं। जहां पे हमारे बोलने से वैल्यू ऐड होता है वहीं पे बोलना चाहिए। पत्री जी का एक बहुत अच्छा प्रवचन है वाक क्षेत्र, उस पर वीडियो भी है, उस पर किताबें भी हैं, आप उस वीडियो को देखिए, उसकी पुस्तक को पढ़िए। हमें किस प्रकार की वाणी का प्रयोग करना चाहिए, तो जब हमारी वाणी राइट होगी, प्रिसाइज होगी, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ध्यान में भी हम शून्य होंगे। ध्यान में गहरे उतरना तो बहुत आसान है, मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, ध्यान में आगे बढ़ना तो बहुत ईजी है, लेकिन हम जो है नियमों की परवाह नहीं करते, चिंतन मनन नहीं करते, लकीर के फकीर बने रहते हैं, पुरानी आदत को छोड़ते नहीं, तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। स्वाध्याय करेंगे, वाक क्षेत्र पर काम करेंगे तो ध्यान आपका अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना सवाल पूछा। जैसा कि सर ने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहने की कोशिश करें, जितना ज़्यादा मौन रहेंगे उतना ज़्यादा एनर्जी सेव करेंगे। इसी के साथ लेते हैं अगला सवाल, हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? जी मेरा नाम अजय है और मैं मुरादनगर डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद से प्रदेश से। जी सर, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है कि मेरी और मेरी माताजी, पहले मैं अपनी माताजी की समस्या आपको बता देता हूँ। उनका उनकी घुटने में एक घुटने में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, उन्हें चलने फिरने में दिक्कत महसूस होती है। कल उनका घुटना मुड़ गया सीढ़ी में चलते हुए, तो उनके घुटने में सूजन आ गई। डॉक्टर को दिखाने के लिए गई, जो हड्डियों के विशेषज्ञ हैं, तो उन्होंने चेक करके बताया कि आपकी हड्डियों में गैप आ गया है जिसके कारण सूजन, अब वो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, ना तो वो लैटिन जा पा रही है, ना उनकी तरह से ठीक से उठ पा रही है। दवाइयां दी कुछ अच्छा है, कुछ नहीं किया है, लेकिन पूरा रिलीफ नहीं हुआ है, परसों ही समस्या होने हुई है, तो इसका क्या उपाय कर सकती है? देखिए, जब मोच आ गई हो, घुटना मुड़ गया हो, जब एक्यूट इंजुरी है, तब उपाय कुछ और होता है, और जब पुराना दर्द है और फिर हमें पुराने दर्द को ख़त्म करना, उसके लिए उपाय कुछ और होता है। तो पहले मैं आपको एक्यूट इंजुरी के लिए मैं आपको पॉइंट थोड़ा बताता हूँ, उस पर काम करें कि आपको हो सकता है कि आपको वहाँ पर सिकाई करनी पड़े, ठंडे और गर्म अल्टरनेट सिकाई करने की जरूरत पड़ सकती है उस जगह पर। और आप पैर हाथों की दो उंगलियाँ, बीच की दो उंगलियाँ, चार छोटी उंगली है अंगूठे के अलावा, ऐसा हाथ में भी है, ऐसा पैर में भी है, तो जो इन चारों में जो बीच की दो हैं, इनको आप यहाँ पर हाथ में और पैर में दोनों जगह पे आप हल्दी लगाएं। हल्दी जो है, ये जो जॉइंट है, ये घुटने के जॉइंट से जुड़ा हुआ होता है, तो यहाँ पर हल्दी लगाने से जॉइंट में स्टेबिलिटी आएगी। प्लस जब थोड़ा एक्यूट फेज चला जाए, जब अब हाल फिलहाल का दर्द नहीं है, तो बाद में इसको लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए आपको इसे मसाज करना होगा, जो कि एक हफ्ते के बाद से आप कर सकते हैं, अगर दर्द जो है थोड़ा कम हो जाए तब इस जॉइंट को चारों तरफ से और इसके ऊपर नीचे मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर दोनों हाथ में और दोनों पैर में हम दबाएंगे, और यहाँ पे ग्रीन कलर थेरेपी कर सकते हैं, हरे रंग को लगाएंगे, तो हरे रंग को लगाने से जो घुटने की एनर्जी जो है वहाँ पर बढ़ती है, लीवर की एनर्जी घुटने के लिए इससे जुड़ी हुई होती है, वो एनर्जी जो है बढ़ती है, तो हरे रंग का प्रयोग यहाँ पे चारों तरफ कर देंगे तो इससे फायदा होगा। और जो गैप आया है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, थोड़ा कैल्शियम, जो प्राकृतिक रूप से कैल्शियम, टैबलेट वाला नहीं, जब भोजन के माध्यम से जो कैल्शियम जिसे मिलता है, हम उन सोर्सेज को लेंगे तो जो है हमारी हड्डियाँ ठीक रहेंगी और प्रॉब्लम नहीं होगी। जी, तो आशा करती हूँ सर आपको आपका सवाल का जवाब मिला होगा। और सर, जैसा कि अभी सर ने बोला कि उनकी माँ के जो घुटनों में दर्द है, वो कहीं ना कहीं घुटने में गैप आने की वजह से है, तो इस तरह की दिक्कतें भी बहुत सारे जो हमारे पेरेंट्स हैं, या फिर अभी जैसे बताया था मैंने आपसे, जब पहले भी पूछा था, कि जो हमारे बड़ी उम्र के जो लोग हैं, वो ऐसी चीज़ों का ज़्यादा इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, और इससे दर्द भी बहुत ज़्यादा उनके घुटनों में रहता है। देखिए, अगर हमें हेल्थ के नियम नहीं पता हो, जीने का तरीका पता नहीं हो, तो अलग अलग समस्याएं आती हैं। जो यहाँ पे अगर हम बोन का केयर करना जानते हो ना, कि बोन को विटामिन डी की और कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, तो जो भोजन में कैल्शियम और विटामिन डी है, उन भोजन को हम अधिक लिया करें, तो बोन जो है वो प्रभावित नहीं होंगे, कमज़ोर नहीं होंगे। कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, हम उनको अगर सीख लेंगे,
हम उनको मसाज करते रहेंगे तो बोन की समस्या नहीं होगी। और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र तो ध्यान है। अगर हमारी लाइफ में रेगुलर मेडिटेशन होता है तब कभी कोई समस्या नहीं आती है। ये एजिंग का कंसेप्ट कि उम्र हो गई है तो बीमारी आती ही है, ये बहुत ही आउटडेटेड कंसेप्ट है। हमारी सोच से बीमारी आती है। जब हम ये मानते हैं, जब ये घबराते हैं कि बीमारी तो अब उम्र हो गया तो बीमारी आएगी, तो आपने मान लिया है तो बीमारी आएगी। मैंने तो बहुत सारे जो 80 के दशक में है, 90 के दशक में फिर भी एक्टिव हैं, ऐसे लोगों को देखते हैं आप, और आप भी देख सकते हैं। तो लेकिन उन वो जो एक्टिव लोग हैं, अब एक ही 80 साल का एक व्यक्ति जो है वो बिस्तर पे होता है और 80 साल का एक व्यक्ति एक्टिव होता है, तो उनमें क्या अंतर है? उनमें अंतर है एक्टिवनेस का, उनमें अंतर है माइंडसेट का। तो हमें अपने मन पर काम, पॉजिटिव मन को रखना है, स्पिरिचुअल रखना है, और उसके लिए ध्यान और आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन, आध्यात्मिक लोगों का संजर सांगत्य, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। एजिंग के कंसेप्ट को, उम्र हो गई है इसको कभी ना बोलें। हम मूल रूप से चेतना है, आत्मा है, और आत्मा की कभी कोई उम्र नहीं होती। लेकिन शरीर की उम्र हम बोल बोल कर उसको फिक्स कर लेते हैं। इस शरीर के पीछे जो प्राण ऊर्जा बढ़ रही है, प्राण ऊर्जा की कोई उम्र नहीं होती। हम जो श्वास ले रहे हैं, श्वास में हम ऑक्सीजन ही नहीं ले रहे, हम प्राण ऊर्जा ले रहे हैं। प्राण ऊर्जा की क्या कोई उम्र होती है? एक 20 साल के व्यक्ति में भी वही प्राण ऊर्जा बह रही है जो 80 साल के आदमी में बह रही है। लेकिन 80 साल का आदमी सोचते रहता है कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। 80 क्या, लोग 50 से सोचना शुरू कर देते हैं, अब तो उम्र हो गई है, तो अब तो कुछ ना कुछ तो लगा रहता है, तो सोचेंगे तो लगा रहेगा। सोचने की जरूरत नहीं है, ध्यान करने की जरूरत है, प्रकृति के साथ रहने की जरूरत है, स्वास्थ्य के नियमों को समझने की और उनको जीने की जरूरत है। हम हर एक उम्र में स्वस्थ रह सकते हैं। इसी के साथ मैं एक और कॉल लेना चाहूंगी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ हेलो जी मैम, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? मैं वनीता बात कर रही हूँ और मैं यहाँ मुंबई से हूँ। जी मैम पूछिए अपना सवाल। हाँ मेरी आवाज क्लियर है ना? जी मैम हाँ, बस मेरा ये प्रश्न है, मैं 1.5 साल से ध्यान में हूँ और मुझे अभी 2-3 महीने से ये तकलीफ हो रही है कि पीरियड्स आने के वक्त इसके 10 दिन पहले पूरा बॉडी पेन होता है और अभी पिछले 1 महीने से निप्पल में बहुत दर्द होता है, बहुत। और पैर में एड़ी, अपनी जो अंगूठे की लाइन में पीछे जो एड़ी रहती है ना, वहां पे बहुत दर्द रहता है। बैठने के बाद खड़ा होना मुश्किल होता है, चलना मुश्किल होता है। ये प्रॉब्लम 1 महीने से हो रही है। तो मैं योग निद्रा करती हूँ तो मुझे उससे चेस्ट में वो आराम मिला है, लेकिन एडी में बहुत ही दर्द है, तो मुझे इसके लिए इलाज होना कि क्या करना चाहिए। वनिता जी आपकी उम्र क्या है? 47। ठीक है, तो देखिए आप, हाँ। आपने अपनी 3 स्वास्थ्य समस्याओं को एक साथ बताया है, तो बेसिकली ये तीन अलग अलग प्रॉब्लम है और इस उम्र में ये प्रॉब्लम हो सकती है, मेनोपॉज का समय होता है। आप यहाँ पे बात समझिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो पीरियड वाली प्रॉब्लम के लिए आपको पैर में SP6 और SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करना है। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो होता है वो हमारे एंकल से 4 अंगुल ऊपर होता है। इसको आप अच्छे से दबाया करें 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार, और आप यहाँ पे हल्दी लगाएं हफ्ते में अल्टरनेट डे करके, कुछ दिन आप हल्दी लगा लीजिए। और हल्दी लगाने का जो डायरेक्शन है वो नीचे से ऊपर की ओर है, तो SP6 की एनर्जी जो है वो नॉर्मल हो जाएगी और SP6 की लाइन में ही घुटने के पास होता है। तो SP6 और SP9 को मसाज करना है और यहाँ पर एक्यूप्रेशर हल्दी लगानी है। तो SP6 और SP9 जब हल्दी होंगे, स्प्लीन मेरिडियन बेसिकली हमारी जब हल्दी होगी तो पीरियड की समस्या नहीं होगी। और जो एड़ी का दर्द बता रहे हैं कि खड़े होने में तकलीफ होती है, ये लीवर की का इशू है। पैर में LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाना है। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पैर के अंगूठे और बगल वाली उंगली के बीच में होता है। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाने से आपका जो हील पेन है वो आपका दूर हो जाएगा। LV3 पर भी दर्द मिलता है और जब तक दर्द मिले तब आप दिन में उसको 3 बार या ज़्यादा भी दबा सकते हैं। दर्द नहीं मिले तो दिन में 2 बार दबाना है। तो LV3 ठीक रहेगा, लीवर ठीक रहेगा, तो आपको एडी का दर्द नहीं होगा। और जो निप्पल का पेन बताया है उसके लिए 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट, एक तो हमारे हाथ में अंगूठे की लाइन में इस रीजन में है, इसको आप दबाए करें। या जो हमारा जो सोलर हिस्सा होता है जिसको पामिस्ट्री में शुक्र एरिया बोलते हैं,
इसे दबाना है दोनों हाथों में, अपने हाथों से दबा सकते हैं, और हमारे पैर में एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है ST36, घुटने के पास बाहर की तरफ ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, हम उसका मसाज करेंगे तो उससे हमारा जो स्टमक मेरिडियन है, स्टमक जो है वो ठीक रहेगा और वो निपल की पेन की प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगी। और योग निद्रा आपने किया है, योग निद्रा को रेगुलर करते रहें, उससे आप तनाव मुक्त रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, तो आप जल्दी ठीक होंगे। तो आपको रोज योग निद्रा करना चाहिए एक बार, और इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को करें और धैर्य के साथ एक्यूप्रेशर ध्यान में बैठते रहें। ध्यान तो आपकी सभी नाड़ियों को धीरे धीरे ठीक करता है, कर देगा। थोड़ा ड्यूरेशन को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करें, क्वालिटी भी बढ़ाएं और क्वांटिटी भी बढ़ाएं थोड़ा थोड़ा, तो इससे आपको हेल्प हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विनीता जी, आशा करती हूँ आपको आपकी सारी समस्याओं का समाधान मिल गया होगा। तो सर, जैसे अभी विनीता जी ने ये बात कही और ये पीरियड्स की बात जो उन्होंने बोली, बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस तरह का अलग अलग रोग जो दर्द है उसे ये महसूस करती हैं, पेट में दर्द होना, उसकी वजह से पूरे बॉडी में नीचे के पार्ट्स में पेन होना, इन सब का समाधान सर कैसे कर सकते हैं? देखिए, अध्यात्म के नियमों को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक मानवता सफर होती रहेगी। हम पंचकोशधारी हैं, पांच शरीर हमारे पास है, तो सिर्फ हम फिजिकल बॉडी के लिए कंसर्न हो रहे हैं कि फिजिकल बॉडी में पेन है, लेकिन फिजिकल बॉडी अपने आप एग्जिस्ट नहीं करती। फिजिकल बॉडी के पीछे एनर्जी है, एनर्जी के पीछे माइंड है, तो माइंड के लेवल पे पॉजिटिविटी चाहिए, खुद से प्यार चाहिए। खुद से प्यार करना अगर हम नहीं जानते तो हम अपना केयर उस तरह से नहीं करते जिस तरह से केयर करने की जरूरत है। भूख लग रही है लेकिन हम भूख खाना नहीं खा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं अपनी भूख को। फिर भूख लगी, हमने खाना खा लिया, खाना बच रहा है तो खाना वेस्ट ना हो इसके लिए हम खाना खा रहे हैं, तो हम अपनी भूख का, अपने शरीर का कदर तो करते ही नहीं, रिस्पेक्ट करते ही नहीं, तो तकलीफ तो फिर आएगी। फिर साथ ही साथ कई सारी चीजें हैं, खुद से प्यार करना सीखना है, तब जो है महिलाओं को जो समस्या होती है उनका सबसे बड़ा कंपोनेंट खुद को स्वीकार करना, खुद को रेस्पेक्ट देना। रेस्पेक्ट हमें दूसरों से, जो हमारी टेंडेंसी होती है दूसरों से मांगने की, पहले हम खुद की तो रेस्पेक्ट करें। अगर हम खुद की रेस्पेक्ट करते हैं तब हम अपनी ज़रूरतों को, अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं। हम अपनी ज़रूरतों को इग्नोर करते हैं, टाइम पर पूरा नहीं करते हैं, तो हम खुद को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। अगर हम खुद को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं दूसरा हमें रेस्पेक्ट कैसे देगा, और दूसरा रेस्पेक्ट नहीं देता है तो फिर झगड़े होते हैं, तनाव होता है, टेंशन होता है, और टेंशन का प्रभाव फिर शरीर पर आता है। तो खुद से प्यार करना सीखना है, और इस टॉपिक पे परिवर्तन सीरीज में 15 वीडियो बनाए गए हैं मेरे द्वारा, पीएमसी हिंदी में परिवर्तन सीरीज के नाम से हैं वो, तो हर एक महिलाओं को, हर एक इंसान को वो वीडियो देखने चाहिए। खुद से प्यार करना सीखना चाहिए, जब मन ठीक रहेगा, मन फिट रहेगा, तभी फिजिकल बॉडी फिट हो सकती है। जब तक हम इस माइंड के रोल को नहीं समझेंगे, दवाइयों में इलाज नहीं है, हॉस्पिटल में इलाज नहीं है, इलाज भीतर जाने में है, इलाज अपने आप पर काम करने में है। माइंड फिट, माइंड हेल्दी, तो बॉडी फिट। जी, तो जैसा सर ने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा खुद से प्यार करना सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा नेचर में रहें, पॉजिटिव थॉट्स को अपने आसपास रखें, सज्जन सांगत्य करें, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करें और देखें कि आपकी सारी की सारी समस्याएं कैसे ठीक हो जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें हमारे सभी दर्शकों के सवाल के जवाब दिए। आप हमसे फिर जुड़ सकते हैं अगले हफ्ते शुक्रवार शाम 5 से 6, जहां आप अपने सभी सवाल डॉक्टर से पूछो में हमसे पूछ सकते हैं, जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे डॉक्टर एस रंजन। तब तक के लिए देखते रहिए पीएमसी हिंदी। नमस्कार। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।